हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फियरलेस सारू। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। सुबह के 4:30 बज चुके हैं। देहरादून से बद्रीनाथ 325 किलोमीटर के आसपास है। रास्ते में हम जो जो देखते हैं, जो एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो अब हम आ गए हैं देवप्रयाग। ये पहला प्रयाग है ऋषिकेश से आते हुए। पंचप्रयाग में से पहला प्रयाग देवप्रयाग पड़ता है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए संगम हो रहा है दो नदियों का। तो फ्रेंड्स, ये आने वाला है धारी देवी माँ का मंदिर। हम अंदर जाकर दर्शन करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसका वीडियो हम अलग से अपने चैनल पे देंगे और आप ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, चमोली से हम करीब 10-12 किलोमीटर आगे आ गए हैं। बाहर बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, पर हमारे साथ हमारे जीजू हैं जो एक बहुत बड़ी गलती करके आए हैं। तो आइए हम दिखाते हैं उन्होंने क्या गलती की है, आप देखिए और इससे कुछ सीख लीजिए। आप क्या गलती करके आए हैं जीजू? चमोली आने के बाद भी इतनी गर्मी है, दिल्ली का एहसास हो रहा है। अच्छा, दिल्ली का एहसास हो रहा है। तो आप कपड़े क्या लेके आए हैं बैग में? आपके सारे क्या गर्म कपड़े हैं सारे, और गर्मी एक टी शर्ट पहन के आए हैं और आर्मी वाली सॉक्स। अच्छा, आर्मी कैप। तो आप अपनी सॉक्स दिखाएंगे कि आप इतनी गर्मी में कौन सी सॉक्स पहन के आए हैं? इतनी गर्म इन्होंने सॉक्स पहन ली है। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें कि सिर्फ आप गर्मी के कपड़े लेके आएँ या सिर्फ सर्दी के लेके आएँ। तो आपको दोनों वेदर के हिसाब से लेके आने हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होगी और रास्ते में बहुत गर्मी है। तो आप उसी हिसाब से अपनी क्लॉथ्स पैकिंग करें, क्योंकि इनको बड़ी परेशानी हो रही है। इनका बीपी भी हाई हो गया, अभी इन्होंने टैबलेट भी ली। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें।
तो फ्रेंड्स ये रास्ता जाता है बद्रीनाथ की साइड। हमारा आज का जो स्टे है वो शिवा होम स्टे में है, पांडुकेश्वर इस जगह का नाम है, और यहाँ हमने रूम बुक किए हैं। यहाँ से बद्रीनाथ जो है वो अप्रॉक्स 22 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। तो आज हम रात को यहीं स्टे करेंगे। आपको मैं यहाँ के व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए सामने पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर। और ये है हमारा होम स्टे। अभी हमारा सामान अंदर जा रहा है, हम भी चलते हैं अंदर। छोटा सा बहुत सुंदर सा होम स्टे ये बना हुआ है और बिल्कुल ऑन द रोड है, तो आपके लिए ये भी कन्वीनियंस है। रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मैं अभी आपको रूम्स भी दिखा देती हूँ और प्राइस भी बता देती हूँ। बारिश हो रही है तो जल्दी से हम चलते हैं अंदर। तो ये है हमारे दो रूम, एक रूम ये और एक रूम है हमारा ये। एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, ये आप एरिया देख सकते हैं। और ये है बाथरूम, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ऑन द रोड है ये होम स्टे। तो प्राइस की हम बात कर लेते हैं। प्राइस है सिर्फ एक रूम का 2500। सीज़न है इस टाइम और इस टाइम हमें इस रेट में ये रूम मिल गया है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि काफ़ी रिजनेबल मिल गया हमें। तो आपको भी पसंद आएगा। अगर आपको कभी यहाँ पे स्टे करना हो या एक बार विजिट करना हो तो ज़रूर आइए। आज का जो स्टे हमने लिया है शिवा होम स्टे में लिया है। आपको मैंने पूरा होम स्टे दिखा दिया। टोटल 8 रूम हैं, 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। 2 रूम हमने बुक किए हैं। हम जोशीमठ में भी ट्राई करते हुए आए थे, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस, क्योंकि इस टाइम सीज़न है तो वहाँ रेट्स के हिसाब से हमें फैसिलिटीज़ कम लगी और यहाँ इस रेट में ये रूम्स मिल गए, तो हमने यहाँ पे बुक किए। और यहाँ से बद्रीनाथ ज़्यादा पास भी है, तो आज हम जो भी देख पाए, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट, लंच और थोड़ा सा ट्रैफिक जैम, तो इस सब में भी टाइम वेस्ट होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए।